अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय ब्लॉग, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो जल्दी जल्दी से कर लो भाई सब्सक्राइब, और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि हर ब्लॉग की नोटिफिकेशन तुम लोगों को मिलती रहे। फिर तुम लोग परेशान होते हो ब्लॉग नहीं आया, जान भाई ब्लॉग नहीं आया, तो भाई जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो और इंजॉय करो भाई के ब्लॉग। तो फिलहाल सीन ऐसा है कि अभी उठा हूँ, नाश्ते वगैरह का सीन है, फ्रेश वगैरह हो गया हूँ और यहाँ पे जो है पबजी खेल रहे हैं। पबजी वीडियो वीडियो बना रहो, ठीक है बनाओ। अस्सलाम वालेकुम, हेलो, अस्सलाम वालेकुम, हेलो। आपके दर्द हो रहा है, आपके फेस पे ग्लो क्यों आ रहा है? अच्छा दिखाओ, अच्छा सॉरी सॉरी। अस्सलाम वालेकुम, मुंह से कैसी हो? ठीक हो? तबीयत सेहत सब मजे में ठीक ठाक है? की हो गया पाजी? तो भाई फिलहाल सीन ऐसा है कि नाश्ता करना है, नाश्ता जो है आज मैं अपना खुद बनाने वाला हूँ, ठीक है। आज मैं आप बोल रही हो ना आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैंने बोला मैं अपना नाश्ता खुद बना लेता हूँ, ठीक है। मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहता, दुख दर्द कुछ भी, मैं सिर्फ जो है आपको आराम देना चाहता हूँ, ठीक है। मैं खुद कर लूँगा नाश्ते का, ठीक है। आप इतनी रूडली क्यों बात कर रही हूँ मुझसे ना? ठीक है, तकलीफ है अपनी जगह है, तो फिर आराम करो ना, आराम करो। अच्छा यहाँ बैठो, बैठो। नहीं चाय देखनी, नाश्ता मैं बना रहा हूँ ना। हट, नहीं करो लड़कियों वाले काम, हट जाओ मुझे। नहीं मैं नाश्ता, नहीं मैं नाश्ता बनाऊंगा, जाओ कर लो खुदा, मैं तो बनाऊंगा, लेट जाओ आप आराम करो, ठीक है। मैं ला रहा हूँ नाश्ता। अच्छा भाई तो चलते हैं, नाश्ता लेते हैं फटाफट से नाश्ता। मम्मा जो है यहाँ पे पता नहीं क्या कर रही है, क्या कर रही हो? चाय, वो जो है हमारा तवा गर्म हो गया है, लाओ अंडे मैं बनाऊँ। नमक है? अच्छा भाई अंडे हमने फेंट लिए और जो है तुम्हें थोड़ा सा नमक डाल देंगे, उसके बाद जो है वो यहाँ रख देंगे, उसके बाद जो है थोड़ा सा हम इसमें घी डाल देंगे, पका लेंगे। साथ साथ जब भी आप कुछ भी बनाएं तो बर्तन जो है हाथ से हाथ इसको धो, वरना कुटाई होएगी। ये मम्मा खुद धोएंगे। गैस कितना स्लो आ रहा है यार, इस साइड को करो। गैस स्लो आ रहा है, लाइट गई भी है ना। तो ये क्या हुआ, क्या करने में लगे हुए उस्ताद? अंदर ये टूट गया, पलटते हैं फिर निकल। मम्मा टूट जाएगा, ये जल जाएगा फिर नीचे से। नहीं टूटा हमारे पास जो है, ये बंद है दो। तो भाई पहले जो है मैं घर के सारे काम करता था, जब मेरी शादी नहीं हुई थी, मैं सारे अंडा वंडा ये वो खाना पीना चाय वाय मम्मा की हेल्प करता था बहुत। फिर मेरी शादी हो गई, फिर एक हज़ार मुझे बीवी मिल गई, लेकिन अब भी मैं फिर खुद ही करता हूँ। भाभी ने सुन लिया ना, आ जाओ उठ के, आ जाओ बाबे, आ जाओ यार, देख तोड़ी रहा है यहाँ से। इसको जो है सबसे पहले हम इसके दो कर लेते ना पहले, और इसके हम दो पीस जैसे बर्गर वाले नहीं करते, ये दो पीस कर लेंगे और इसको हम उतार देंगे यूँ करके, और हम थोड़ा सा अभी डालेंगे घी। तो अब हम सेकेंगे अपने बन, इसको हम पहले थोड़ा सा यूँ करके सेकेंगे। अच्छा भाई तो रेडी है हमारा नाश्ता, बस ये गिर ना जाए ये डर है मुझे, एक हाथ से मैंने पकड़ा हुआ है। ओए ओए ओए, आ गया नाश्ता, बिस्मिल्लाह। मेरा हाथ है नीचे, हाथ है नीचे, रुक जाओ। अच्छा भाई तो आ गए हैं हमारे बर्गर, ये मैंने बनाया, कैसे बने? मानती हो फिर तो बस टेस्ट कर लेते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं, बहुत भूख लग रही है टाइट वाली। मजा आया? अच्छा भाई थोड़ा सा पोपट हो गया, नमक थोड़ा सा कम रह गया था। मैं बोल रहे हैं ये तो अंडे में बनाते रहता हूँ, ये करता रहता हूँ, पता ही नहीं कि इसमें नमक डालते हैं। काला है नमक बाबे, घी का जहर लग रहा था। ओहो जहर, माशाल्लाह, जिसको ऐसा नहीं बोलते। बिस्मिल्लाह, अब मजा आया या नहीं? मजा क्यों नहीं आया, अंडा अंडा नहीं खाती मैं, नमक कम है। एक काम करता हूँ, नमक अंडा हटा देता हूँ, नमक लगा देता हूँ पूरा बीच में, पागल हो गई हो आप। तो भाई नाश्ता हो रहा है, ये बिस्किट खा रही है, मैं खा रहा हूँ अपना सैंडविच बनाया, मतलब सैंडविच क्या बर्गर बनाया, अंडा लगाया बस इसमें, और कुछ भी नहीं। ये वाले जो थे ना, इसके लिए लंबे वाले बर्गर आते हैं।
बनाई, जरूरी है क्या बाबे, बन तो बन। अच्छा भाई तुम लोगों को मैं ये बता दूं कि मम्मा की भी तबीयत अल्लाह का शुक्र है बहुत बेहतर हो गई है और बाबे की भी बहुत बेहतर हो गई है और अल्हम्दुलिल्लाह एजल को भी रिवील कर दिया हम लोगों ने, जैसे आप लोगों की फरमाइश थी, बहुत मैसेजेस थे, कमेंट थे, तो वो भी कर दिए। अब जो है फिलहाल नाश्ता कर लो, पहले नाश्ता कर लेते हैं फिर आगे बात करेंगे, ठीक है? ठीक है ठीक है। अच्छा जी तो नाश्ता सारा काम मैं करूंगा, चलो सही। नहीं जी ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो भाई नाश्ता हो गया हमारा। चलो चलो ये तो गलत हो गया, हटाओ ना यार पर्दा। चलो 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 आ जाओ इधर, बर्तन दो शाबाश। तो भाई नाश्ता वगैरह कर लिया, नाश्ते के बाद पता नहीं ये क्या सिलसिला स्टार्ट कर दिया, क्या कर रहे हो भाई? मैं अपनी गुड़िया के जो है नेल्स कट कर रहा हूँ। अपने भी कर लो थोड़े से। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, ये पंखा कहाँ चढ़ा दिया आपने? ये हमारे पूरे वक्त का साथी है, पूरे वक्त का साथी है। इसके नाखून बड़े तो आप काट रहे हो? मेरे को काट दिए, काट दिए। वाह थैंक यू। मेरे भी काट दो, मुझे नेल पेंट लगा दो। अभी सबर, पहले इसका काम करूँगा मैं अपनी गुड़िया का, ठीक है? अच्छा मुझसे ज़्यादा अजीज अभी ये हो गई आपसे तो सब कुछ। अच्छा अभी हमारा फड्डा हो रहा था। हाँ अभी तो हम फड्डा करेंगे, फड्डा होगा आज हमारा, दो दो हाथ हो जाता है आज, हो जाता है आज। सुबह से मैं इनसे लड़ रही हूँ, आज तो हो ही जाए। क्या बोलते हो कशान? देखता हूँ मैं कौन सी। आप पहले आप इसके नाखून काट लो फिर, सही है? नहीं रही, एक हाथ कटवाया उड़ गई। एक हाथ कटवाया मतलब? एक हाथ के काटे हैं, एक हाथ में उड़ गई। तो आज नहाई है माशाल्लाह से, इतना प्यारा ड्रेस पहना है उसने। अच्छा हम दोनों को इतना डर लगता है कि सोने। टिश्यू दो। आए। अच्छा जी अपनी गुड़िया के एदल के नेल्स वगैरह मैंने काट लिए और अपने भी जो है मेरे थोड़े थोड़े से हो रहे थे ख़राब, तो मैंने वो सेट कर लिए। अब जो है मैं जा रहा हूँ उसके एदल के लिए, फेफड़ा वगैरह लेना है, वो सदका वगैरह देना है, फेफड़ा लेके आ जाता हूँ। जब तक आराम कर रही है गुड़िया हमारी, चलते हैं लेकर आते हैं फेफड़ा, फिर मिलते हैं। और अगर फेफड़ा नहीं मिला, चलो देखता हूँ अल्लाह खैर करेगा, मिल जाएगा इंशाल्लाह जी। A few moments later. अच्छा जी वापस आ चुके हैं घर, क्योंकि शॉप वगैरह सब बंद थी। बंद होने की वजह यह है कि आज है मंगल, मेरे ध्यान में ही नहीं था कि आज जो है ट्यूजडे, तो ट्यूजडे वाले दिन जो है सारी गोश्त वगैरह की जो शॉप्स होती हैं बंद होती हैं, छुट्टी होती है उनकी, तो इस वजह से मेरे जहन में ही नहीं रहा कि आज मंगल है। तो भाई यहाँ पे देखा जा रहा है अपना व्लॉग। होए होए होए। आज तो मंगल है, तो मंगल को आपको नहीं पता सब गोश्त की दुकान बंद होती है, फेफड़ा कहाँ से लाऊं मैं अपना फेफड़ा निकाल दूं? अगर अपनी बेटी के लिए निकाल सकता था निकाल दो, पैसे दे दो फिर। एक काम करते हैं, ऐसा करते हैं इसके ऊपर से पैसे उबार के दे दो, मैं किसी को दे दूंगा गरीब को। तो ज़रूरी नहीं है कि आप फेफड़ा ही दो तार के सत्ते के लिए, पैसे भी दे सकते हो, कोई इशू थोड़ी है। तो यहाँ पे चल रहा है व्लॉग, व्लॉग देख लेते हैं पहले अपना, उसके बाद जो है मैं आप लोगों से मिलता हूँ। तो गाइस एजल को सुलाने के बाद यहाँ पे जो है ये नेल पेंट लगा रही हैं, देखो जरा तैयार हो जा रही है, पता नहीं क्यों। अच्छा ना एक ना कमेंट आया कशान, कमेंट मैं आपसे शेयर करूँ। एक कमेंट आया टिकटॉक पे आया था, पता नहीं इंस्टा पे आया था, पता नहीं, वो कह रहा है, वो लड़का था या लड़की थी पता नहीं, मैंने इतना गौर नहीं किया, कोई MJ कोई लिखा हुआ था। वो बोल रहा है कि ना इतना छोटा बच्चे में आप इतनी एक्टिव है और टिकटॉक बनाने का कोई टाइम कैसे, ऊपर से आपने नेल पेंट भी लगाई हुई। तो ये बच्चा कोई वो थोड़ी बीमारी या कोई वो थोड़ी है, नुकसान हमारे लिए। इंसान को सब करना पड़ता है, कॉपरेट भी करना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है, एक बच्चे को कैरी करना इतना आसान नहीं है आप लोगों को पता है, मगर ये है कि इंसान को अपनी भी केयर करनी पड़ती है। अब क्या बच्चा पैदा हो गया तो अपनी केयर करना छोड़ दें? क्यों, सच बात नहीं है? सही बात है। अब बच्चा पैदा कर लिया इसका मतलब ये है कि मतलब बाल बनाना भी छोड़ दें, गंदे वंदे रहेंगे क्या? तो यहाँ पे जो है मेकअप शेकअप हो रहा है, नेल पेंट लगाई जा रही है और गुड़िया रानी हमारी सो रही है, बाबा की टांगों पर सो रही है बाबा की। एथल को क्यों लगाओगी, पागल हो? बड़ी हो गई इसको भी लगाऊंगी।
बड़ी होके वो आपको लगाएगी। पागल उल्टा बोल रही हो आप तो। तू मुझे लगाएगी, मैं इसको लगाऊंगी, हम लोग मैचिंग के लगाएंगे। अच्छा तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम वाम भी निपटा लिए हैं, सब कुछ जो करना था। ऐजल के कपड़े वगैरह वॉश करने थे वो भी कर लिए, कशाइम भी आ गया, मार्केट वगैरह गए थे वो भी थोड़ा सा, और आते ही सारे खाना खाना स्टार्ट हो गए। ये नहीं कि बीवी से पूछ लूँ मैं कि बीवी आपने सुबह से कुछ खाया है कि नहीं खाया। आपकी बात तो ठीक है, आपको चलो आपकी तबीयत खराब है, परहेज है थोड़ा बहुत, आप यकनी बीवी हो। ये मेरा ही आपने खिचड़ी रख दी यार। आज हम लोगों ने खिचड़ी इसलिए बनाई है क्योंकि आज है मंगल, गोश्त निश्ता मड़ा, बिरयानी बना लेते हैं, आलू वाले चावल बना लेते हैं कोई। तो कोई बात नहीं, कभी कभी इंसान को खिचड़ी भी खानी चाहिए और चटनी के साथ। दाल बनाती है साथ में, आप उसके मिर्चे फ्राई करती हैं और साथ में उसके चटनी बनाती है। सोच रहे एक शनिवारी होटल ही खोल लेते हैं इनके लिए, जो इनको दाल मखनी, दाल ग्रेवी, दाल चना, पता नहीं क्या क्या इनको। अच्छा घर की दाल पसंद नहीं आएगी, बाहर की जो दाल होगी ना वो हर मर्द को पसंद आएगी, ऐसा क्यों? छोड़ो बिस्मिल्लाह करा हूँ। खैर आप खाना खाओ, मैं भी खाना खाती हूँ भाई। और ऐजल जो है हमारी मुन्नी मई जान, हमारी प्रिंसेस, अपने बाबा के पास है, सो रही है। अपने बाबा के पास सही सोती, बस मम्मा को ही तंग करना है उसने। खैर खाना वाना खाते हैं फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मिलते हैं। अच्छा जी अल्हम्दुलिल्लाह खाना वगैरह खा लिया, शुक्र है मालिक का, शुक्र अल्लाह का। अल्लाह पाक ने रिस्क की नेमत से नवाजा हमें, शुक्र है, जितना शुक्र अदा करूँ कम है। और अल्लाह का बहुत शुक्र है, अल्लाह पाक ने एक रहमत भी दिया हमें माशाल्लाह, और ये जरिया बनी माशाल्लाह। जी आप बोलने वाले थे ये नेमत मिली, अल्लाह ने रिस्क दी, ये रहमत मिली और ये क्या आगे आगे। ऐसी कोई बात नहीं करनी है, बुरी बात हो जाती है। अच्छा जी ब्लॉग को जो है बस यहीं पे एंड कर रहे हैं, बहुत थक गया तुम्हारा भाई, अभी भी मैंने जाना है काफी सारे। हाय हाय हाय, आपकी आवाज़ सुनना चाह रहे थे, सब सुन ली सबने। तो काफ़ी सारे मेरे और भी काम है अपने बाहर के, तो मैं वहाँ जा रहा हूँ। फिलहाल ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रहा हूँ। आप लोगों को बहुत 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 शुक्रिया, आप लोगों ने इतना प्यार दिया कल के ब्लॉग में, और ऐसे ही प्यार देते रहो बस भाई को, सपोर्ट करते रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को कर दो लाइक। आई होप आपको लोग पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं कल इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।